हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। मैं बात करने वाला हूँ 2022 होंडा रेबल 250 क्रूजर के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है अवेलेबल हो गई है। एंड मैं बात करने वाला हूँ होंडा की रेबल 250 क्रूजर है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं किस तरह के फ्यूचर्स, स्पेसिफिकेशन, चेंजेस एंड किस तरह के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। यार फिलहाल जो बाइक है फ्रेंड, वो जापानीज मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, मतलब वहीं पर जो है वो ऑफिशियली लॉन्च भी हो गई है। एवं जो 2022 रेबल 250 है फ्रेंड, इसके अंदर हमें कुछ अपडेट्स के साथ हमें न्यू पेंट स्कीम भी जो है हमें देखने को मिलेगी फ्रेंड। जो पेंट स्कीम है वो हमें पीएल स्पेंसर ब्लू के नाम से जो है हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें फ्यूल टैंक एंड जो रियर फेंडर है वो हमें मेटालिक ब्लू कलर ऑप्शन के साथ एंड इसके अदर पार्ट्स एंड जो बाइक के फ्रेम एंड जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो हमें ब्लैक फिनिश में जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर मैं इसके इंजन ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, के अंदर हमें 249 cc सिंगल सिलेंडर इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 26 bhp के पावर के साथ एंड 22 nm टॉर्क के साथ जो इंजन ऑप्शन है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, के अंदर हमें LED लाइटिंग, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डायमंड स्ट्रीचर्ड सीट्स, फ्रंट फ्रॉक्स एंड जो हेडलैम्प काउल है वो भी हमें स्टैंडर्ड फिटमेंट के साथ ही जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके इंडियन लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, जो बाइक है इंडिया के अंदर जो है हमें 2022 तक जो है हमें देखने को मिल सकती है। एंड फिलहाल तो इस बाइक के अंदर इतने चेंजेस देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको बताया, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं अभी एक नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमोटिव वीडियोज़ की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।